सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकाल ओंकार ममलेश्वरम। आठवीं शताब्दी संत आदि शंकराचार्य द्वारा रचित द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत की इस पंक्ति के पहले दो शब्द उस भारतीय मंदिर को संबोधित करते हैं जिसने विनाश का चेहरा अनेक बार देखा और आज ये अनेक भारतीयों के दिलों में एक खास स्थान रखता है। ये सोमनाथ मंदिर है जो दर्शन स्थली होने के साथ साथ भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर 12 महाज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये वो मंदिर होते हैं जो भगवान शिव के प्रति भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका उल्लेख हमें शिव पुराण में मिलता है। वर्तमान मंदिर का ढांचा मारू गुर्जर वास्तुकला शैली में निर्मित है और ये दो मंजिला इमारत है। जटिल नक्काशी के साथ साथ इसका मंडप खंबेदार है और इसमें 212 नक्काशीदार पैनल हैं। इसमें गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप है जिसका शिखर 150 फीट ऊंचा है। इस मंदिर से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलू हैं। आइए आपको इनकी दिव्य यात्रा पर ले चलते हैं। मूल रूप से सोमनाथ का अर्थ भगवान शिव है। अनेक दंत कथाओं और प्राचीन ग्रंथों ने सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के साथ जोड़ा है। वहीं कई इतिहासकार इसको प्रभास पट्टन से जोड़ते हैं जहां पर हिरण, कपिल और सरस्वती नदियों का संगम होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह वर्तमान में इस नाम का एक स्थान है जो सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल समीप है और यहां पर त्रिवेणी महासंगम का भी आयोजन होता है। हालांकि सोमनाथ मंदिर का मूल वर्ष आज भी अज्ञात है, इसका पुनर्निर्माण 7वीं शताब्दी में वल्लभी शासकों और 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों द्वारा किया गया था। सोमनाथ मंदिर उन चंद भारतीय मंदिरों में गिना जाता है जिसका पुनर्निर्माण अनेक बार हुआ है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक सोमनाथ मंदिर और इसके आसपास का इलाका प्रायद्वीपीय भारत के सबसे समृद्ध और धनी इलाकों में गिना जाता था, मगर इसकी ख्याति पर आज सन 1026 में तब आई जब महमूद गजनी ने यहां पर हमला किया। इसके साथ साथ उसने न सिर्फ यहां कत्लेआम किया बल्कि वो 20 मिलियन दीनार के खजाने को इस मंदिर से अपने वतन ले गया। इस मंदिर की भव्यता और इसमें मौजूद खजाने का उल्लेख हमें मशहूर विद्वान और लेखक अल बेरूनी के वृत्तांत में मिलता है। वहीं सोमनाथ मंदिर का चौथी बार पुनर्निर्माण राजा भोज द्वारा सन 1030 के दशक में हुआ, मगर आसपास के क्षेत्र को यहां हुए नुकसान का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और यहां व्यवसायिक गतिविधियां लगभग 5 शताब्दियों तक कायम रहीं। यह सिलसिला तब रुका जब सन 1297 में खिलजी सुल्तानों, सन 1393 में तुगलक सुल्तानों और सन 1469 में गुजरात सुल्तानों ने सोमनाथ मंदिर को अनेक बार क्षतिग्रस्त किया जिसके कारण यहां का कारोबार सूरत में स्थानांतरित हुआ। 16वीं शताब्दी के अंत तक तीसरे मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान सोमनाथ मंदिर की खोई गरिमा एक बार फिर वापस आई जिसके कारण ये एक बार फिर
एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना। मगर यह सिलसिला सिर्फ एक शताब्दी तक ही सीमित रहा, क्योंकि छठे मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान यह मंदिर फिर से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके कारण पूजा स्थली को मजबूरन सोमनाथ के निकटवर्ती इलाके में स्थानांतरित किया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत तक जब महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ का रुख किया, तब उन्होंने अनेक मंदिरों और घाटों के साथ साथ वर्तमान सोमनाथ मंदिर के निकट एक मंदिर का निर्माण किया, जहां पर नुकसान से बचने के लिए शिवलिंग को तहखाने में रखा गया था। ये मंदिर आज भी यहां देखा जा सकता है। हालांकि अंग्रेजों के आने तक हमलों का सिलसिला पूरी तरह से तो रुक गया था, मगर सोमनाथ मंदिर कई दशकों तक वीरान रहा, बावजूद इसके कि यह कई भारतीय और ब्रिटिश इतिहासकारों और पुरावेत्ताओं के शोध का विषय बना। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ रियासत का हिस्सा था। वहां के नवाब इस रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बना ही रहे थे कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और केंद्रीय लोक सेवा मंत्री एनवी गडगिल के नेतृत्व में जूनागढ़ न सिर्फ वर्तमान गुजरात राज्य का हिस्सा बना, बल्कि इन दोनों नेताओं ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण भी लिया। इस मुहिम के लिए महात्मा गांधी ने इस बात पर अपना समर्थन दिया कि इसके लिए पैसा आम जनता से लिया जाएगा और न कि सरकार से। मगर गांधी और पटेल के देहांत के बाद गाडगिल को साथ देने के लिए मशहूर नेता कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी सामने आए थे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को भारत की समृद्ध धरोहर का प्रतीक माना। इसके बाद मई सन 1951 को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्मित ढांचे का उद्घाटन हुआ, जहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग प्रतिस्थापन में भी हिस्सा लिया। एक लोकप्रिय स्थान होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आज ये मंदिर हर काल को पार करके अनेक भारतीयों की आस्था का केंद्र है।